Hello everyone. Well, myself Piyush Sharma, and we are here to begin our next lecture. Lecture 3, theoretical part hai, kiske upar shear force aur bending moment diagram hai. Well, this is all about me, myself Piyush Sharma, B.Tech in Civil Engineering and Masters in Transportation Engineering. I have 2 years of experience in teaching for competitive exam. So basically, aaj hum start karne wale hamara third lecture, strength of material ka. वो है किसके ऊपर, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के ऊपर. जब भी मैं आपको कुछ भी पढ़ाऊंगा, मैं ये सोच के पढ़ाऊंगा कि आप लोग बेसिकली एक मतलब 12th पास स्टूडेंट्स हैं. मैं बिल्कुल उसी पॉइंट पे ले जाऊंगा. मैं ये नहीं सोचूंगा आपने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रखी है या थोड़ा बहुत आपको आइडिया है. तो उसी तरीके से आप स्टार्ट करते हैं. सोचिए कि आपके सामने एक स्लैब नहीं कहूँगा, एक स्ट्रक्चर रखा है जो कि सपोर्ट है. जैसे कि हमने देखा था पहले लेक्चर 2 के थ्योरी में कि हम जैसे जाते हैं चाय वाय पीने, थड़ी वाले पोर्शंस पे हम देखते हैं कि वहाँ पे एक स्लैब रखी रहती है सपोर्ट के साथ. तो उसी के जैसा आप कुछ इमेजिन कर सकते हैं इसको भी. तो ये बेसिकली कुछ इस टाइप का आप शेप देख सकते हैं इसको, इस टाइप का. तो अब हम आते हैं यहाँ पर लेक्चर में हमारे. हाँ, सो अब हम इसको 2D में देखते हैं. इसको आओ 2D में देखते हैं. 2D में देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, साथ में हमने सपोर्ट लगा दिया. मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ सिर्फ अपर स्ट्रक्चर का. मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपर स्ट्रक्चर का. लोअर स्ट्रक्चर की बात हम नहीं कर रहे हैं. तो ये जो लोड W है, इधर से W बाई टू और इधर से W बाई टू लोड लग रहा है. ओके, सो ये W बाई टू कैसे हुआ? यहाँ पे जो एक्सटर्नल लोड है वो W था एंड वो L बाई टू पे था. तो बाई सिमेट्री हम इसको आधा आधा डिवाइड कर सकते थे. अभी हम इसको बाय समेशन ऑफ फोर्सेस भी निकाल सकते हैं, वो हम नीचे देखेंगे. और अभी एक सिंपल से सिंपल कोशिश कर रहे हैं. और हम मान के चल रहे हैं कि बॉडी जो है वेटलेस है. वेटलेस मानने से हम सिर्फ इस W को डील कर रहे होंगे. तो अभी फिलहाल हम मान रहे हैं डील कर रहे हैं. ये हमने बनाया फ्री बॉडी डायग्राम अपर पार्ट का. और अब हम चले गए इससे किसी भी पॉइंट X पे. इस क्रॉस सेक्शन को काट के हम देखना शुरू करते हैं. या कहीं आप Y पे भी जा सकते हो, कहीं X पे भी जा सकते हो. X और Y मैंने यहाँ स्पेशली मेंशन किया है. जब मैं X की बात कर रहा हूँ तो मैं 0 से L बाई टू तक की बात करूँगा. Y का मतलब हो जाएगा L बाई टू से L. तो फिलहाल तो हम लेफ्ट से चलते हैं किसी भी पोर्शन X की तरफ. मैंने जो बोला बिल्कुल बीम को हमने वेटलेस कंसिडर किया है और सपोर्ट्स जो थे वो L बाई टू हो गए. ठीक है, ओके. सो जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें पता, मैंने ग्रीन से बनाया है, ये है एक्सटर्नल लोड. ये जो सिस्टम है इसके ऊपर एक्सटर्नल लोड क्या लग रहा है? W बाई टू का लग रहा होगा, इसलिए यहाँ ग्रीन से. अब ये फ्री बॉडी डायग्राम था. अगर ये फ्री बॉडी डायग्राम है तो हमें पता है कि ये जो है एक्सेलरेट नहीं कर रहा है. इसका मतलब जितना लोड यहाँ लग रहा है इसका अपोजिट लोड ज़रूर यहाँ पर लग रहा होगा. इसलिए हमने यहाँ पर अपोजिट लोड लगा दिया है जो कि W बाई टू नीचे की तरफ है. इसका आप देख रहे हो ग्रीन कलर में नीचे की तरफ जा रहा है. अब ये W बाई टू इंटू एक्स अगर हम क्रॉस सेक्शन पे देखें तो ये मोमेंट बन जाएगा. तो मैंने यहाँ मोमेंट बनाया ग्रीन कलर से कि ये एक्सटर्नली इस क्रॉस सेक्शन पे W बाई टू इंटू एक्स का मोमेंट लग रहा है. वापस हमने फोर्स को तो बैलेंस कर लिया, बट ये जो मोमेंट था ये क्या करेगा इस फ्री बॉडी डायग्राम को? रोटेट करेगा, नीचे की तरफ घुमाएगा. बट ये फ्री बॉडी डायग्राम है, ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर है. इसका मतलब इसका अपोजिट कहीं ना कहीं लग रहा होगा. तो हम कहते हैं इसका अपोजिट यहीं क्रॉस सेक्शन पे लगता है जो यहाँ पे मैंने ब्लू से मार्क कर रखा है, सेम मैग्नीट्यूड का डब्ल्यू एक्स बाई टू. इस तरीके से मेरा फ्री बॉडी डायग्राम में हम बनाते आए हैं प्लस इलेवन ट्वेल्थ के अंदर क्वेश्चन सॉल्व किए. बिल्कुल वही कंसेप्ट लगा रहा हूँ. जो एक्सटर्नल लोड था उसका अपोजिट लगा के बैलेंस किया और देखा कि मूवमेंट आ रहा था, ये एक्सटर्नल मूवमेंट हुआ तो इसका रिप्लाई मूवमेंट डाल दिया. तो बेसिकली अब हम इसको ढंग से देखते हैं कि W बाई टू जो है नीचे की साइड लग रहा है. W बाई टू नीचे की साइड लग रहा है, वो पैरेलल है किसके? क्रॉस सेक्शन के. वो पैरेलल है किसके? क्रॉस सेक्शन सरफेस के. इसका मतलब सीधा ये है कि वो शेयर फोर्स हो गया. आप सोच रहे होंगे कैसे? हमने ये देखा था कि एक ऐसा सिस्टम है अगर इसके अंदर फोर्स F लगता है तो हम क्या कहते थे आपको? शेयर फोर्स. यहाँ पर ये क्या है? ये जो है ये क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है. यहाँ ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है हमको, इसके पैरेलल जो है W बाई टू जा रहा है. तो इस वजह से वो क्या हो गया बेसिकली इस क्रॉस सेक्शन के लिए? शियर फोर्स हो गया. इसलिए इसको कहते हैं शियर फोर्स,
W बाई टू क्रॉस सेक्शन पे काट के शेयर फोर्स, एंड W बाई टू इंटू एक्स इज ट्राइंग टू बेंड द क्रॉस सेक्शन, हैंस उसे हम बेंडिंग मोमेंट कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो क्रॉस सेक्शन को बेंड कर रहा है. देखो कैसे, अगर आप देखें शेयर फोर्स की वजह से सेक्शन जो है उसको फोर्स किया जा रहा है कि वो नीचे की तरफ अपने रिलेटिव बगल वाले सेक्शन के कंपैरिजन में नीचे जाए. यहाँ पे W बाई टू लग रहा था, अभी अभी हमने देखा ये किस तरीके से फोर्स कर रहा है इसको कि भाई नीचे जाए, ये वाला क्रॉस सेक्शन अपने इस बगल वाले क्रॉस सेक्शन कंपैरिजन में नीचे की साइड शिफ्ट हो. W बाई टू यही तो कोशिश कर रहा है, और ये किस चीज़ में हो रहा था, शेयर में होता था, इसलिए इसको क्या कह दिया, शेयर फोर्स. और जो मोमेंट है, ये मोमेंट क्या कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि ये जो क्रॉस सेक्शन है इसको बेंड करे. W बाई टू इंटू एक्स फाइनली मोमेंट आया है, बैलेंसिंग मोमेंट आया है, और बैलेंसिंग शेयर फोर्स है W बाई टू. बैलेंसिंग शेयर फोर्स ने बोला भाई मैं तो नीचे लेके जा रहा हूँ, जो हमने यहाँ दिखा दिया. और बैलेंसिंग मोमेंट जो है ये वाला, ये क्या बोल रहा है इसको कि भाई तू बैंड हो जा, क्रॉस सेक्शन तू बैंड हो जा, नीचे से बाहर निकल ऊपर से अंदर कंप्रेस हो जा, यही कर रहा है. तो वो ऐसा मोमेंट जो क्रॉस सेक्शन को बैंड करने की कोशिश कर रहा है, उस मोमेंट को हमने नाम दिया है बेंडिंग मोमेंट. उस मोमेंट को क्या नाम दिया है, बेंडिंग मोमेंट. जैसे आपसे कोई कह रहा है कि सर ये बेंडिंग मोमेंट क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, थोड़ा एक इलैबोरेटिव वर्ड दे दो, सिंपल वर्ड दे दो. अभी अभी हमने जो क्रॉस सेक्शन देखा कुछ ऐसा था, ठीक सर, और मैंने इसकी तीनों बना ली. अब आपने एक देखा ऐसा मोमेंट जो उसको यहाँ की तरफ बेंड कर रहा था, ये बेंड करेगा, ठीक है, मतलब अंदर बाहर लेके जा रहा है, तो इसको क्या कह दिया, मोमेंट एट एक्स. तो ये बेसिकली क्या है हमारा, बेंडिंग मोमेंट. अब ये देखते हैं ये वाला मोमेंट, बिल्कुल ये भी इसको बेंड करने की कोशिश कर रहा है, ये इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बेंड करेगा, ये इसको इधर की साइड अंदर की साइड घुमाएगा, और बाहर की साइड बाहर, इधर की साइड जो आगे की साइड इसमें इसको बाहर निकालेगा. तो ये वाला मोमेंट जो है एम वाई, ये भी क्या हो गया एक तरीके से, बेंडिंग मोमेंट, यानी कि एक तरफ कंप्रेसिव और एक तरफ टेंसाइल. तो एम एक्स में भी तो ये था, ऊपर की साइड से कंप्रेसिव, नीचे की साइड से टेंसाइल. बट की जो तीसरा मोमेंट है, तो यहाँ पे हम ब्लू से ड्रॉ करते हैं, मोमेंट इन जेड एक्सिस के अबाउट, ये क्या कर रहा है, इसको रोटेट कर रहा होगा. रोटेट कैसे करेगा, बोलेगा इधर से बाहर निकल, इधर से ऐसा ऐसा. तो ये ना तो एक साइड से कंप्रेस हो रहा है, ना एक साइड से टेंसाइल में जा रहा है. तो इस टाइप के मोमेंट को क्या कह दिया हमने, ट्विस्टिंग मोमेंट. बेसिकली ऐसा मोमेंट जो आपके क्रॉस सेक्शन को बेंड करे, बेंड करेगा मतलब एक कंप्रेसिव और एक टेंसाइल नेचर की चीज उसमें इम्पार्ट करे, ऐसी ऐसे सिस्टम ऑफ मोमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट कहते हैं. ये बात क्लियर है? तो मैं बिल्कुल बेसिक टर्म्स में पढ़ा रहा हूँ, मैं बुकिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार इतने सारे मैंने डायग्राम बनाए, और मैं वापस कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझें इस चीज़ को, कि ऐसी कोई भी चीज़ जो यहाँ पे इसके अबाउट बेंड कर रहा था, ये W बाई टू इंटू एक्स था, ये बेंडिंग मोमेंट हो गया, ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं W बाई टू, ये हमारा शेयर फोर्स हो गया किसी भी सेक्शन एक्स पे, ये लेफ्ट वाला सेक्शन था, ठीक है. अब हम राइट वाला सेक्शन और बना लेते हैं, यहाँ पे जो बचा कुछ राइट वाला सेक्शन था. अच्छा, अल्टीमेटली ये पूरा कि पूरा एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, और उसमें मैंने एक्स लेके उसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग बनाया था. अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो सिर्फ इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस बचने चाहिए, जो कि एक डब्ल्यू होगा और एक इधर रिएक्शन एल बाई टू, और एक ये सॉरी एल वाई नहीं डब्ल्यू बाई टू, और इधर रिएक्शन डब्ल्यू बाई टू. सो अगर मैं यहाँ पे हमने देखा डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स है, तो इसका मतलब इसका अपोजिट मोमेंट ही इसके क्रॉस सेक्शन वाले बगल पे लग रहा होगा, तो मैंने इसका अपोजिट में क्रॉस सेक्शन लगा दिया. अब यहाँ पे W बाई टू नीचे था, तो इसका मतलब इसके राइट साइड में W बाई टू ऊपर लग रहा होगा, है कि नहीं. तो ये एक तरीका है समझने का कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. अगर आप देखें कि ये जो हमने कंसेप्ट लगाया है ये वाला, और इसके जस्ट अपोजिट में ये काम कर दिए, सही है कि नहीं, हम चेक भी कर सकते हैं. अब सपोज करो राइट को देखो आप, बस अब राइट वाले सेक्शन को देखो, इसमें एक W है, ये W बाई टू है. अच्छा, W बाई टू पर W, ये इसका मतलब ये W बाई टू आ जाएगा अपने आप ही, W बाई टू प्लस W बाई टू इज इक्वल्स टू W, है कि नहीं सही. तो इसी तरीके से आप मोमेंट को भी चेक कर सकते हो, वो उतना ही आएगा जो यहाँ पे लग रहा था. सो ये बेसिक तरीका है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का, जो हमने हमेशा यूज़ किया है, और इसी को लेके मैं समझाना चाहता हूँ कि बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स क्या था. और आई थिंक आई क्लियरली स्टेटेड इट नाउ कि बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स बेसिकली है क्या,
ये कुछ भी नहीं है, दे आर बेसिकली आर इंटरनल फोर्सेस। अगर आप किसी फ्री बॉडी डायग्राम बना को अलग अलग करोगे तो आप उस सेक्शन पे देख रहे होगे, आपको मिलेगा क्या, एक मोमेंट और एक फोर्स, क्योंकि वो जो फोर्स है वो फेस के पैरेलल है, फोर्स जो है वो फेस के पैरेलल है, और जो मोमेंट है वो क्रॉस सेक्शन को बेंड करने की कोशिश कर रहा है। इस मोमेंट को कह दिया बेंडिंग मोमेंट और इसको कह दिया शियर फोर्स। बेसिकली क्या है, इंटरनल फोर्सेज है। इंटरनल फोर्स कब अराइज होते हैं, जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। एक्सटर्नल फोर्स को रोकने के लिए अपने अंदर से स्ट्रक्चर ने जो फोर्सेज लगाए उन्हें कहेंगे इंटरनल फोर्सेज, और इंटरनल फोर्सेज जो कि फेस के क्रॉस सेक्शन के पैरेलल गए वो बन गया शियर फोर्स, जो क्रॉस सेक्शन को बेंड करने की कोशिश करेगा मोमेंट, वो मोमेंट क्या कहलाया, बेंडिंग मोमेंट। तो बेसिकली ये है सिंपल भाषा में कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या है, साफ लिखा है इंटरनल फोर्सेस है। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे कि हमसे कोई कहे कि भाई शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दो, ये क्या चीज़ है बना दो, इसका कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये होता है आप किसी भी सेक्शन पे जाओ, आपको पता लग जाए शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कितना है। तो हम बेसिकली ग्राफ बना रहे हैं कि एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर एल तक जब जाएंगे तो उसके ग्राफ का पैटर्न कैसा होगा, यानी किसी भी क्रॉस सेक्शन पे हम उस ग्राफ के थ्रू पता लगा लेंगे उस कर्व के ऊपर देख के कि हाँ उसकी इंटेंसिटी जो लोड की होगी वो उतनी होगी, या उस क्रॉस सेक्शन के बाद मोमेंट जो होगा वो उतना होगा। तो उसी को हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कह रहे हैं। मैं आपके सामने बना के भी दिखाऊंगा, और बेसिकली मैं कोशिश करूंगा कि दो तीन बार मैं बनाऊं, फिर मैं आपको एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग जाके तीन चार बार उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन और उससे थोड़े हार्ड क्वेश्चन देखें। हम न्यूमेरिकल जब डिस्कस करेंगे तो हम खुद शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के देखेंगे, जो कि 25 ईयर्स ऑफ ESE और गेट में आए हैं। फिलहाल तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर लिया है जिसमें इधर RA नाम का रिएक्टिव फोर्स है, इधर RB है, और इधर लग रहा है W। बेसिकली यहाँ लग रहा है W, ये बाय टू नहीं है, दिस इज़ बेसिकली गलती हो गई, दिस इज़ बेसिकली W। ओके, इधर W लग रहा है, तो इधर ये RA और RB नाम की रिएक्शन लग रही है। ये दोनों की दोनों इधर साइड से जो W का पॉइंट लोड है, पॉइंट है ये L बाय टू और L बाय टू है। ओके सर, तो ये L बाई टू। सबसे पहला काम होता है रेफरेंस सरफेस डिसाइड करना। यहाँ पे मैंने ये ब्लू कलर से लिखा है, रेफरेंस सरफेस हमने टॉप माना है, यानी कि अगर आप जब देखते हो तो जब हम अपन सेक्शंस की बात करेंगे तो सेक्शंस को हम कुछ इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे, बट जब हम सेक्शंस की बात करते हैं जैसे कि ये 3D डायग्राम है, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा रेफरेंस सरफेस क्या है। इन जनरल आपको बुक में वो बताते नहीं है, बट इन जनरल आपका हमेशा रेफरेंस सरफेस आपको डिफाइन करना होता है, उसके बाद ही आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना पाओगे। फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए, हमेशा हम अगर कहीं भी ना लिखा हो ये रेफरेंस सरफेस क्या है, तो आप टॉप मान के चलिए, ऊपर वाला जो टॉप है वो क्या है, रेफरेंस सरफेस है। तो यहाँ पे हमने रेफरेंस सरफेस टॉप पोर्शन को मान लिया, स्ट्रक्चर को बना दिया। ये हमने प्लस टू के अंदर पढ़ा था कि जब ऐसे स्ट्रक्चर्स देखते हैं एक प्लेन के अंदर, एक 2D प्लेन के अंदर तीन इक्वेशंस वैलिड दिखती हैं, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो, एंड समीशन ऑफ मोमेंट जीरो। इन्हीं तीन इक्वेशन को मैं वापस से यूज़ करूँगा, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो, यहाँ कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं है तो वो यूज़लेस हो गया, यानी कि हमारे काम की सिर्फ दो इक्वेशन रह गई, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो और समीशन ऑफ मोमेंट जीरो। जब हम समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो की बात कर रहे हैं तो हमारे पास वर्टिकल फोर्सेस में क्या है, एक है RA, एक है RB और एक है वेट। समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस में RA प्लस RB, यानी कि ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले ली एक्सटर्नल फोर्स की, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स की जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो नेगेटिव ले ली। साइन कन्वेंशन समझ में आ गया, ये एक्सटर्नल फोर्स के लिए है। आई थिंक आई शुड राइट इट, नहीं तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि हमने एक्सटर्नल फोर्स के लिए इसको बता दिया है कि भाई ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, साफ साफ लिखा एक्सटर्नल फोर्स की साइन कन्वेंशन हमने ले ली। अब बात करते हैं समीशन ऑफ मोमेंट जीरो। अब मैं समीशन ऑफ मोमेंट ए पॉइंट पे जीरो कर सकता हूँ, और मैंने ये बताया कि मैं किस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने क्लॉकवाइज सेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ है, क्लॉकवाइज सेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ है। अब आइए एक बार डायग्राम देखते हैं। ओके, अब ए पॉइंट पे आप आइए, ए पॉइंट पे
आके बैठ जाइए यहाँ पे, ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे हम मूवमेंट देख रहे हैं, तो आप कहेंगे डब्ल्यू बाय टू, डब्ल्यू इंटू एल बाई टू, सॉरी डब्ल्यू बाई टू नहीं, डब्ल्यू इंटू एल बाई टू का डायरेक्शन ऐसे और आर बी इंटू एल बाई टू का डायरेक्शन ऐसे, क्लियर है? और हमने क्या माना है, क्लॉक वाइज को पॉजिटिव, यानी कि डब्ल्यू इंटू एल बाई टू पॉजिटिव और आर ए आर बी इंटू एल, आर ए नहीं, आर बी इंटू एल इज नेगेटिव, तो वही काम हमने कर दिया, पॉजिटिव डब्ल्यू एल बाई टू नेगेटिव ऑफ आर बी इंटू एल, ये जीरो कर दिए, समेशन ऑफ मूवमेंट यहाँ से सॉल्व करेंगे, आर बी की वैल्यू मिल गई, ऊपर वाली इक्वेशन में रख देंगे आर ए की वैल्यू मिल गई, मतलब हमें रिएक्शंस मिल गए डब्ल्यू बाई टू डब्ल्यू बाई टू। ये तो वैसे भी हमें पता है सिमेट्री से होते ही हैं, बट मैं करके दिखाना चाहता था कि भाई हमेशा आपको एक्सटर्नल फोर्सेस निकालने हों और तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल के कंसेप्ट वाला काम हो, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो, समेशन ऑफ मूवमेंट जीरो, इससे आपका हमेशा निकल के आएगा। अब बात आती है कि हमें बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट और के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। मैंने आपको कहा मैं ट्वेल्थ का बच्चा मानूंगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूँ, और ये जो है ये बेसिकली आपने बुक्स में पढ़ा होगा, बट लेट मी डिफाइन कि ये क्या है, उससे पहले एक बार फ्री बॉडी डायग्राम देख लो तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा ये चीज़ क्या है, ये साइन कन्वेंशन हम क्या बेसिकली डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने एक सेक्शन एक्स ले लिया छोटा सा ऊपर से, ये देखिए जो रेड में दिखाया हुआ है, इस सेक्शन को लिया, उसको काट के देख लिया, यहाँ पे W बाई टू है भाई, और यहाँ पे ये W बाई टू है, तो इसका मतलब के तौर पे साफ मतलब ये हो गया कि इसका जो उल्टा रिएक्शन होगा वो W बाई टू पे होगा क्रॉस सेक्शन पे, क्योंकि इसको बैलेंस करना है। अब W बाई टू इंटू एक्स जो है वो एक्सटर्नल मूवमेंट की तरह काम करेंगे क्रॉस सेक्शन के एंड x वाले x x पोजीशन पे, और हमको एक W बाई टू एक्स दे देंगे। अब ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है अपने आप में स्टेबल होना है, अगर इसको अपने आप में स्टेबल होना है तो इसको ग्रीन कलर का जो यहाँ पे दिख रहा है मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में देना पड़ेगा, वो दे दिया, वो कितना हो जाएगा, फिर से वही मैग्नीट्यूड में तो इसके बराबर ही होगा डब्ल्यू एक्स बाई टू। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया है बेसिकली शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट जो मेरे क्रॉस सेक्शन को बेंड कर रहा था, शेयर फोर्स जो मेरे क्रॉस सेक्शन के पैरेलल था। ओके, अब हमको थोड़ा सा साइन कन्वेंशन के बारे में भी देख लेना चाहिए, साइन कन्वेंशन क्या है, कैसे हैं और उनका हिसाब क्या है, तो आइए हम उसके बारे में देखते हैं। ओके, अब आप अगर देखें साइन कन्वेंशन, सबसे पहले फोर्सेस की बात करते हैं, शेयर फोर्स, ये जो डॉट 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 है ना, आप इसको अपना क्रॉस सेक्शन मान सकते हैं, जो मेरा x x है, अगर x x के अबाउट लेफ्ट में जो फोर्स है वो ऊपर की साइड है और राइट में जो फोर्स है वो नीचे की साइड है, तो इस वाली चीज़ को हम कहते हैं पॉजिटिव। और अगर जो क्रॉस सेक्शन हमने काटा उसकी लेफ्ट में फोर्स लेफ्ट में है, मतलब नीचे है, सॉरी डाउनवर्ड है लेफ्ट में, एंड राइट में जो फोर्स है वो अपवर्ड है, तो उसको कह देते हैं नेगेटिव। ओके, तो ये चीज़ हो गई एक। दूसरी चीज़ हो गई है हॉगिंग एंड सैगिंग, अगर बीम को कोई मोमेंट इस तरीके से बैंड करे, इसे कहते हैं हम सैगिंग, इस तरीके से बैंड करे, तो इस तरीके से कौन सा मोमेंट बैंड करेगा, जो ऊपर की साइड होगा, देखें आप ऐसे और ऐसे, जो मोमेंट ऐसे और ऐसे लगेगा वही तो इसके अंदर सैगिंग क्रिएट कर सकता है, तो ऐसे वाले को हम पॉजिटिव कहते हैं, और जो मोमेंट हॉगिंग क्रिएट करते हैं, हॉगिंग कैसे, जो उल्टा इसको उठाते हैं, मतलब ऊपर से उठाते हैं नीचे से कंप्रेस करते हैं, वो क्या हो गए, वो हो गए नेगेटिव, यानी कि ऐसे वाले मोमेंट जो नीचे की साइड होंगे जिनका एरो वो इसमें हॉगिंग क्रिएट करेगा उसे हम नेगेटिव बोलेंगे, और ऐसे वालों को पॉजिटिव। आइए अब आगे देखते हैं। ओके, अब हम सीख गए साइन कन्वेंशन क्या है, तो जो हम मैंने बोला था क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट में ऊपर राइट में नीचे, तो वो सब क्या होता है पॉजिटिव। अच्छा, ऐसा कोई भी मोमेंट जो इस क्रॉस सेक्शन के बॉटम में देखा था वो ऐसे डायरेक्शन में हो या फिर ऐसे डायरेक्शन में, वो पॉजिटिव देता है, तो हमने देखा क्रॉस सेक्शन के जस्ट अबाउट हमारा W बाई टू इस डायरेक्शन में, तो ये भी क्या हो गया एक तरीके से पॉजिटिव। तो अब हम इसको बना के देखेंगे, आपके सामने मैं बनाऊंगा, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि आप किसी भी टाइप का शेयर फोर्स बना पाएंगे। तो शेयर फोर्स अभी हमने देखा किसी भी एक्स पे जाके शेयर फोर्स क्या होगा, वो हो जाएगा प्लस का W बाई टू इंटू एक्स, ये तो अभी क्लियर हो चुका है। ये एक्स की वैल्यू मैंने कहाँ से कहाँ तक लिया, जीरो से एल बाई टू तक की बात कर रहा हूँ मैं,
क्योंकि वो बीच में लोड आ जाएगा ना W। पहले हम इजी कर लेते हैं, जहाँ पे कोई लोड नहीं था, जीरो से L बाई टू, उसको देख लेते हैं, वो प्लस क्या हो गया W बाई टू। और बेंडिंग मोमेंट एक एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू जीरो से L बाई टू तक के लिए, प्लस का W बाई टू इंटू एक्स। ये तो हम देख ही चुके हैं प्लस क्यों है ये दोनों, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, तो बनाने जाएंगे तो लेट मी ड्रॉ इट विद, चलो वाइट से ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे इसके अंदर, अब आप एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखोगे तो शेयर फोर्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे क्या मिलेगा, डब्ल्यू बाई टू। और शेयर फोर्स को, शेयर फोर्स जो एक्स है इसका, एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे इट इज़ डब्ल्यू बाई टू, एंड शेयर फोर्स एट एक्स इज इक्वल्स टू एल बाई टू इट इज़ अगेन डब्ल्यू बाई टू। इसका मतलब वो x के साथ वेरी नहीं कर रहा है, वो कांस्टेंट बना हुआ है, क्लियर है। तो जीरो पे भी वो प्लस का डब्ल्यू एल बाई टू प्लस का है। तो जैसे कि हम जो हमारा बेसिक मैथ में हमेशा रहा है कि x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और x एक्सिस के नीचे नेगेटिव, तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। पॉजिटिव था तो ये डब्ल्यू बाई टू ऊपर हो गया, और x इज इक्वल्स टू तक के लिए जो भी एल बाई टू है तब के लिए हमारा क्या हो गया, ये प्लस का W बाई टू। ओके, ये काफ़ी हद तक क्लियर हुई बात। अभी हम बेंडिंग मोमेंट को देखते हैं। बेंडिंग मोमेंट इज़ रियल गुड थिंग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे X भी आ रहा है। अगर मैं X को ज़ीरो कर दूँ तो क्या मिल जाएगा, ज़ीरो। और बेंडिंग मोमेंट एट X इज इक्वल्स टू L बाई टू, डब्ल्यू बाई टू इंटू एल बाई टू गिव्स अस डब्ल्यू एल बाय फोर। ओके, तो ज़ीरो पे ज़ीरो है, बाकी ये पॉजिटिव था ही, तो इसको हम बनाने जाएंगे, वो भी बना देते हैं। यहाँ लिख देते हैं शियर फोर्स डायग्राम, और यहाँ लिख देते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ज़ीरो से लेकर एक्स तक पॉजिटिव जा रहा है, डब्ल्यू एल बाय फोर तक। तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आई कि सर एक छोटा सा पोर्शन उठा के उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे बना देना, ठीक है। ये तो मैंने जीरो से एक्स तक की बात की थी, अब मैं राइट पार्ट की बात कर लेता हूँ। अब मेरे पास दो तरीके हैं यार सॉल्व करने के, या तो मैं एक्स को अब डब्ल्यू बाई टू के आगे लेके जाऊँ और उसे बना लूँ। दूसरा तरीका ये है, ये जो एक्स था, ये जो एक्स था इसको हम यहाँ से यहाँ तक लेके आए, या दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको हम अब राइट साइड से कंसिडर कर लें, या एक्स को हम ये डब्ल्यू बाई टू के बाद पोर्शन में कंसिडर कर लें। सो मैंने जो कंसिडर किया है, मैं चाहता हूँ कि ईजी रहे भी बच्चों के लिए, तो मैंने अभी यहाँ पे वाई कंसिडर किया है पॉइंट फ्रॉम अदर साइड। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब डब्ल्यू आ जाता है ना उसका इफेक्ट भी देखना पड़ता है, वो मैं नीचे दिखाऊंगा कैसे होता है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन और उस टाइप के न्यूमेरिकल हम देखेंगे, तो वो थोड़ी ज़्यादा हेक्टिक कैलकुलेशन हो जाती है। जितना हो सके ना अपने आप को बचा के रखो, अपनी कैलकुलेशंस को बचा के रखो, इजी रहेगा ये बनाने में। तो मैं तो यही बात फॉलो करता हूँ। तो वही कंसेप्ट है, W बाई टू एक्सटर्नल है, D एक्सटर्नल है, तो इसका रिप्लाई क्या आ गया, इसका रिप्लाई आ गया W बाई टू उल्टी डायरेक्शन में। अच्छा, W बाई टू इंटू वाई ऐसे होगा, तो इसका रिप्लाई क्या मिल गया, ये मिल गया जो कि ग्रीन कलर में बनाया है, डब्ल्यू बाई टू इंटू वाई। अब हम किसी भी वाई पे चले गए हैं, हमें पता है कि जो साइन कन्वेंशन है वो क्लियरली क्या कहता है, वो कहता है अगर आपका लेफ्ट वाला नीचे है क्रॉस सेक्शन के और राइट वाला ऊपर है, ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव। यहाँ देखो ये क्रॉस सेक्शन है, ये वाला नीचे है, राइट वाला लेफ्ट वाला नीचे है, सॉरी राइट वाला ऊपर है, ये नेगेटिव हो गया, तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, नेगेटिव, और नेगेटिव का डब्ल्यू बाई टू। अच्छा, अब ये जो ग्रीन वाला है जो कि रिप्लाई है जिसको हमें देखना है, हम एक्सटर्नल मोमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कन्फ्यूज जाते हैं बच्चे। तो ये बेसिकली जो है इसका हमें देखना है, ये कैसा है, ऐसा है। अब जब कोई भी चीज़ ऐसी होगी या ऐसी होगी तो वो कैसे बेंड करेगी, ऐसे बेंड करेगी, और ऐसे बेंड को हम क्या कहते हैं, सैगिंग। सैगिंग को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव ले लिया डब्ल्यू बाई टू इंटू वाई। तो अगर हम इसी पोर्शन का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना दें, यहीं बना लेते हैं, काम करते हैं थोड़ा,
ईजी हो जाएगा। तो मेरा बिट लेट्स सी। ओके तो ये वाई तक है, ये आ गया शेयर फोर्स डायग्राम। इसने क्या कहा, माइनस डब्ल्यू बाई टू, शेयर फोर्स डायग्राम माइनस डब्ल्यू बाई टू, चाहे मैं वाई की वैल्यू ज़ीरो रखूं या वाई की वैल्यू एल बाई टू रखूं, आना क्या है माइनस डब्ल्यू बाई टू। ये हमने शेयर फोर्स बना दिया, ये रहा माइनस का, वही कंसेप्ट रखते हुए ये एक्सिस के नीचे नेगेटिव और एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। वापस से y की वैल्यू 0 पर 0 हो गया, ये लो सर, और y इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टू पर प्लस का डब्ल्यू एल बाई फोर हो जाएगा। तो हमने ये लगा दिया प्लस का डब्ल्यू एल बाई फोर। ठीक है, तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, हम कुछ नहीं, हम वापस बार बार मैं बोल रहा हूँ रिप्लाई को ड्रॉ कर रहे हैं। रिप्लाई किसका, एक्सटर्नल फोर्स का, कुछ भी नहीं है। शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दे आर द रिप्लाई ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अब इसको बना देते हैं, क्योंकि हमने एक्स और वाई दोनों साइड का बनाया है, हमें पता है कि शेयर फोर्स अब कैसे है। शेयर फोर्स इसका कुछ टाइप से हो जाएगा, लेट मी ड्रॉ इट इन ब्लू ताकि आपको हमेशा याद रहे। हाँ, ये है माइनस का डब्ल्यू बाई टू, ये है प्लस का डब्ल्यू बाई टू, एंड यहाँ पे दोनों साइड से सेंटर में क्या आया था प्लस का डब्ल्यू एल बाय फोर, और ये है पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपका शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया है। कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड सेंटर पे लग रहा हो W का, तो उसका शेयर फोर्स देखो लेफ्ट साइड में ऊपर था, फिर एकदम से W आ गया तो वो नीचे हो गया। कई बार देखो अब इसको किस तरीके से समझा जाता है, जैसे कि होल्ड ऑन फॉर ए सेकेंड, ओके हाँ, जैसे कि ये है लोड W था, L बाई टू, L बाई टू पर लग रहा था, तो यहाँ रिएक्शन था, ये रिएक्शन कितना आया, ये आया सर W बाई टू, और ये रिएक्शन क्या है W बाई टू। अब अपन ने शेयर फोर्स यहाँ से यहाँ तक का बना लिया था, यहाँ से यहाँ तक का बना लिया, आपने इन दोनों को ज्वाइन क्यों किया पीयूष, ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, आप नहीं करते, मैं बताता हूँ। देखो W बाई टू, जैसे आप इस क्रॉस सेक्शन पर आए जहाँ पे लोड W लग रहा है कॉन्सेंट्रेटेड, ये इसके जस्ट टू द लेफ्ट में ये पॉजिटिव में और जस्ट टू द राइट में इसके नेगेटिव है, तो इसलिए इनको ज्वाइन करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इस पॉइंट पे जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड है मैं ये नहीं कह सकता कि वहाँ पे प्लस डब्ल्यू बाई टू लग रहा है या माइनस डब्ल्यू बाई टू लग रहा है। हमेशा जब भी हम सेक्शंस को डिफाइन करेंगे हम कहेंगे जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट लोड, जस्ट टू द राइट ऑफ पॉइंट लोड, तो इस पॉइंट पर डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसको ज्वाइन कर दिया। और अगर आप लॉजिकली भी देखें, यहाँ प्लस डब्ल्यू बाई टू का मतलब ऊपर हो गया शेयर फोर्स का हिसाब, और नीचे आ रहा था तो नेगेटिव हो गया, तो वो आपने माइनस डब्ल्यू जोड़ोगे प्लस डब्ल्यू बाई टू, मतलब माइनस डब्ल्यू बाई टू बचेगा, वो यहाँ बन गया। बेसिकली एक तरीके से आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगेगा अपोजिट डायरेक्शन वाला, वो प्लस माइनस जोड़ के आप देख सकते हैं आप सही बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे हैं। एंड इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपने नोट की होगी वो ये है कि जहाँ पे शेयर फोर्स ने अपना साइन बदला, यानी कि पॉजिटिव से वो नेगेटिव हुआ, वो पॉइंट ये है, इस पॉइंट पे हमें बेंडिंग मोमेंट जो मिला है वो मैक्सिमम मिला है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है, बट मैं एक बार इसको डायग्राम से ही समझाना चाह रहा था, वो प्रूफ मैं पहले भी दे सकता था जैसे बुक्स में आपको मिल जाता है, बट आप सबसे पहले ड्रॉ कीजिए। अब आपको साफ दिख रहा है ग्राफ के अंदर जहाँ पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, यानी कि वो ज़ीरो होके नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, वहाँ पे आपको बेंडिंग मोमेंट हमेशा क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। इसलिए मैंने ये पॉइंट भी यहाँ पे स्पेशली मार्क करके लिख दिया है, और ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए अब बात करते हैं, आई होप ये समझ में आया होगा कॉन्सेंट्रेटेड लोड। अब आते हैं थोड़े से रियल लाइफ सिचुएशन में, जैसे कि अपन ने वहाँ पे एक बेंच रख दी थी और बेंच का अपना खुद का एक सेल्फ वेट है, वो सेल्फ वेट के अंदर जो है दब रही होगी, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग सकता है। तो बेसिकली जो ऊपर वाला था वो थियोरेटिकल कंसेप्ट कह सकते हैं, मोर रियलिस्टिक कंसेप्ट ये है कि हर बार जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसका अपना सेल्फ वेट तो होगा ही होगा, और जिसका सेल्फ वेट होगा उसके अंदर
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हम कह सकते हैं लोड लगेगा ही लगेगा। से कि स्मॉल डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है थ्रू आउट द लेंथ एल, जो हमने अब तक किया है वही काम वापस करेंगे, छोटा सा पोर्शन एक्स तक का लेंगे, इसका फ्रीरॉय डायग्राम बनाएंगे, इसी का बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स बनाएंगे और एक्स को जीरो से लेकर एल बाई टू तक ले जा सकते थे। पहले एल बाई टू पे इसलिए लेके जा रहे थे क्योंकि यहाँ पे लोड डब्ल्यू था, मैं आपको वो भी करके दे सकता था, वो लंबा पड़ता बट ईजिएस्ट वे में जाना था इसलिए हमने ऊपर वाला प्रोसेस फॉलो किया। यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ जीरो से सीधे एल ले लेंगे, फिर भी मैं आपके लिए करके दिखाऊंगा जीरो से एल बाई टू और फिर यहाँ से वाई लूंगा वापस से करके दिखाऊंगा, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस है, कोई भी बीच में हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड लोड नहीं है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड लोड होगा तो हम जीरो से लेकर उस पॉइंट तक का ही लेंगे, फिर अलग से राइट से उसको बना के दोनों को जोड़ देंगे, तो दैट इज़ मोर ईजियर वे। तो वापस से वही छोटा सा पोर्शन उठाने से पहले हमें आर ए और आर बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज जीरो, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज जीरो एंड समेशन मोमेंट जीरो। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज जीरो करके आर ए प्लस आर बी डब्ल्यू एल, क्योंकि ये डब्ल्यू है तो इस पूरे लोड क्या हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एल हो जाएगा, वो रख के देख लिया। मूवमेंट अबाउट ए हम जीरो कर रहे हैं इस तरीके से, इस एक्सटर्नल डायरेक्शन को यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को एक्सटर्नल केस में हम क्या मान रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया जीरो, तो आर बी इंटू एल ये तो नेगेटिव में चला गया, माइनस का आर बी इंटू एल, और लोड लग रहा है डब्ल्यू एल, डब्ल्यू एल कहाँ लगेगा बीचों बीच में लगेगा, तो ये तो लोड हो गया और कितने डिस्टेंस पे हो गया L बाई टू पे हो गया, तो डब्ल्यू एल इंटू एल बाई टू ऐसे लगेगा जो कि क्लॉकवाइज हो गया, तो डब्ल्यू एल इंटू एल बाई टू क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो सॉल्व कर दूंगा तो आर बी की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, और आर बी की और आर ए की वैल्यू मिल गई मुझे, ठीक है। चलो सबसे पहला काम तो हुआ कि हमारे पास रिएक्शंस आ गए। अब रिएक्शंस आ गए तो हम किसी भी सेक्शन एक्स पे जाएंगे और उसका बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो हमने एक सेक्शन एक्स कंसिडर कर लिया है, यहाँ पे डब्ल्यू एल बाई टू है, ये वही डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर है, क्योंकि एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एक्स हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, साइन कन्वेंशन शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के जो पहले थे जो हमने सीखे थे ये वाले वही कंटिन्यू कर रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन से लेफ्ट वाला राइट में ऊपर और ये नीचे, इसको पॉजिटिव कर सकता हूँ और इस वाले को मैं नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी यही फॉलो करने हैं, आप बस बता दो एग्जामिनर को कि मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, बट इन जनरल सारी बुक्स में और मैं कहूँगा जहाँ पे कुछ मेंशन नहीं होता है वहाँ पे यही साइन फॉलो होते हैं, तो मैं भी यही फॉलो कर रहा हूँ। और वही बेंडिंग मूवमेंट के लिए सैगिंग पॉजिटिव हॉगिंग नेगेटिव। तो अब हम शुरू करते हैं, किसी पॉइंट एक्स पे ये डब्ल्यू एल बाई टू है तो डब्ल्यू एल बाई टू का उल्टा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, तो मैंने यहाँ कलर में उसको दिखा दिया डब्ल्यू एल बाई टू नीचे लग गया। अच्छा एक बात बताओ, डब्ल्यू बाई एक्स डब्ल्यू इंटू एक्स ये नीचे जा रहा होगा तो इसका पोजिट ऊपर जा रहा होगा, बिल्कुल ये आ गया। तो शेयर फोर्स किसी भी एक्स पे जाके उस क्रॉस सेक्शन पे देखूंगा तो कैसे देखूंगा, ये वाला ऊपर ये वाला नीचे, तो ये कौन सा सेक्शन है मतलब कौन सा साइन कन्वेंशन हो गया पॉजिटिव, तो प्लस का डब्ल्यू एल बाय टू, और जब लेफ्ट वाला नीचे क्रॉस सेक्शन से और राइट वाला इधर वाला ऊपर वो क्या है नेगेटिव, तो माइनस का डब्ल्यू एक्स, दोनों को लिख दे डब्ल्यू एल बाय टू माइनस एक्स, क्लियर है। शेयर फोर्स हुआ कि नहीं, क्लियरली दिख गया, इतना आसान है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं और इस तरीके से ही सॉल्व करें। तो बेंडिंग मोमेंट एक्स, एक्स की बात करते हैं तो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एक्स, तो वो लेट मी ड्रॉ इट, डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एक्स, ओके डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एक्स वही आ गया, तो उसका ऊपर की ओर लिपलाए तो यहाँ पे पिंक कलर में आपको दिख रहा है वो क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल बाय टू एक्स, ओके सर। अब ये जो डब्ल्यू एक्स है ये नीचे की तरफ है, ये डब्ल्यू एक्स इंटू ये जो एक्स बाय टू का जो डिस्टेंस बचा है मेरे लिए इससे मल्टीप्लाई होके यूँ जाएगा, तो यूँ बना के देखते हैं, थोड़ा सा इसको राइट करते हैं, अब बनाते हैं, ये देखिए डब्ल्यू एक्स बाय टू मतलब डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू, क्योंकि डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स बाय टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू, इसका रिप्लाई आएगा
वो मैं पिंक कलर में ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, एंड दैट वुड बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू। अब बाय आवर साइन कन्वेंशन जो ऊपर वाला है भैया ये पॉजिटिव है, नीचे वाला जो है नेगेटिव है, तो इसी कंसेप्ट को हम फॉलो कर लेते हैं, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। तो बस सिर्फ बेंडिंग मोमेंट एट एक्स डायग्राम, एक्स पोजीशन क्या हो गया, सिंपल सिंपल प्लस का डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एक्स और माइनस का ये आ गया। लिख गई ना आप तो इक्वेशन, अब इक्वेशन लिख गई ना, इसके बाद आपको बस ड्रॉ करना होता है, ड्रॉ करने के लिए आपको बस वो शुरू करना है। अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई, ये क्या है, लीनियर है, लीनियर थी ऊपर, अब तक लीनियर था तो लाइन बना दी थी हमने, और जो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स है यहाँ पे ये थोड़ा सा क्वाड्रेटिक हो गया है। अब क्वाड्रेटिक के भाई दो शेप हैं, या तो वो कॉनकेव डाउन होगा या कॉनकेव अप होगा, ये आपको कैसा पता चले कि भाई वो कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है। तो इसके लिए मैथ्स की जो बेसिक हमने पढ़ी थी डिफरेंशिएशन वाली टेक्निक, उसको यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, अगर आपको पता करना होता था मैक्सिमा मिनिमा तो आप क्या करते थे, डबल डिफरेंशिएट करते थे किसी भी फंक्शन को, डबल डिफरेंशिएट कर देते थे ना एफ ऑफ एक्स और डी एक्स स्क्वायर, फिर हम कह रहे थे ये लेस देन जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा, लेस देन जीरो होगा तो मैक्सिमा और ग्रेटर देन जीरो होगा तो मिनिमा। सो वही कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, पहले मैंने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया बेंडिंग मोमेंट को किसी भी एक्स पे, तो एक्स हट गया प्लस का आ गया और ये नेगेटिव आ गया, एक बार और डिफरेंशिएट करूँगा तो ये तो भाई साहब कॉन्स्टेंट हो गए डब्ल्यू एल बाई टू, ये तो जीरो हो गए और यहाँ बच जाएगा माइनस, माइनस का डब्ल्यू, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ये सब मैक्सिमा। मैक्सिमा कब बनता है, जब कर्व कॉनकेव डाउन होता है, जब कोई कर्व कॉनकेव डाउन होता है तो वो मैक्सिमा देता है, यानी कि ये कर्व जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा वो कैसा होगा, कॉनकेव डाउन होगा। यही कंसेप्ट है, आपको बुक्स में पता नहीं क्या बताया गया है, मुझे नहीं आता समझ में, मैं सबसे ईजिएस्ट प्लस टू वाला कंसेप्ट से यूज़ करता हूँ, अपनी इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करके देख लो उस कर्व में मैक्सिमा है या मिनिमा है, सिंपल। तो अब यहाँ बना के देखते हैं, एक्स से हमने देखा था, ओके अब हम यहाँ आ जाते हैं। अच्छा यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो रख दो तो क्या मिला, डब्ल्यू एल बाय टू, ठीक है, और एक्स की वैल्यू को एल बाय टू रख दो तो क्या मिला, जीरो। इसका मतलब जीरो से एल बाय टू में एक लीनियर वेरिएशन आ रहा है जिसमें कि इसकी वैल्यू यहाँ पर तो डब्ल्यू एल है और यहाँ पर इसकी जीरो है, तो इसके अंदर पॉजिटिव यहाँ लिख देते हैं डब्ल्यू एल बाय टू, ओके सर। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की अभी अभी हमने देखी कि एक तो पता चल चुका है कि हाँ भाई ये जो है कॉनकेव डाउन बनेगा, ठीक है सर, एक्स की वैल्यू को जीरो रख दो क्या मिलेगा, बेंडिंग मोमेंट जीरो, और एल बाय टू रख दो, डब्ल्यू एल बाय टू, एल बाय टू डब्ल्यू एल, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय फोर, डब्ल्यू एल बाय टू, एल बाय टू डब्ल्यू एल बाय और नीचे टू एफ एट, और एल बाय फोर माइनस एल बाय एट, एल मतलब डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट मिल जाएगा। तो क्लियर है यहाँ पे ऐसा कुछ मिलेगा मुझे, और सेंटर में मुझे मिल रहा है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट, ये क्या हो गया। सो बेसिकली दिस इज व्हाट आई हैव, लेट मी रीड्रॉ इट, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ डब्ल्यू बाय टू टू एल, ओके। अब क्लियरली मुझे समझ में आ गया कि x बाई टू तक क्या था, अब मैं वापस हमने वही कंसेप्ट लगाया है, राइट साइड से y लूँगा तो यहाँ पे w बाई टू है एक्सटर्नल, तो इसका रिप्लाई डब्ल्यू एल बाई टू नीचे आएगा, डब्ल्यू आई नीचे है ये ऊपर जाएगा। अब मैं यहाँ पे शेयर फोर्स लिख रहा हूँ वापस से, देखो यार ये वापस से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर आप x की वैल्यू उस वाली इक्वेशन में रखोगे अपने आप मिल जाएगा, बट आपको बता रहा हूँ कि ईजियर वे ये रहता है, जब तक कोई लोड ना मिले आप एक बार इसे करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, कन्फ्यूजन दूर रहेगा। अच्छा वाई की वैल्यू जीरो रख दो तो क्या मिला, माइनस का डब्ल्यू एल बाय टू, और ये कैसे आया, ये वही सेम साइन कन्वेंशन से, ये राइट वाला ऊपर और लेफ्ट वाला नीचे, तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस डब्ल्यू वाई, और ये वाला जो है राइट वाला नीचे, सॉरी लेफ्ट वाला नीचे राइट वाला ऊपर, तो वो क्या आ गया नेगेटिव, तो मैंने वो रख दिया। वही वाई की वैल्यू जीरो रख दो और y की वैल्यू l बाई टू रख दो, l बाई टू रखोगे तो जीरो हो गया कि नहीं, हो गया।
इसके अंदर साफ दिख गया इसका शेयर फोर्स ये आ गया। ओके थोड़ा सा इसको रब करना पड़ेगा। तो यर ज़ीरो होके ये हो गया है नेगेटिव का डब्ल्यू एल बाय टू एंड दिस थिंग इन हियर इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट। क्लियर है। सिमिलरली हमने बेंडिंग मोमेंट का लगा लिया, यहाँ पे डब्ल्यू एल बाय टू था इंटू वाई, डब्ल्यू एल बाय टू वाई बोलेगा भाई ऐसे, और इसका रिएक्शन जो कि यहाँ पिंक में दिख गया डब्ल्यू एल बाय टू इंटू वाई ऐसे। अच्छा डब्ल्यू वाई जो है लोड इधर आ रहा था इंटू वाई बाय टू ऊपर की ओर गया, इसका रिएक्शन उल्टा आ गया, ये लिख दिया। सेम कंसेप्ट हॉगिंग सेगिंग प्लस माइनस, अब वाई की वैल्यू रख दोगे आपको वाई इज इक्वल्स टू जीरो पे जीरो मिल रहा है, और एल बाय टू पे क्या मिल रहा है सीधे तौर पे मिल रहा है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट। यानी कि सेम बिल्कुल सेम टू सेम इक्वेशन बनेगी। इवन आप इसको डबल डिफरेंशिएट भी कर दोगे, तो अगर आप डबल डिफरेंशिएट भी कर दोगे तो यहाँ मैं करके भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। बेंडिंग मोमेंट एट वाई को मैंने डबल डिफरेंशिएट करा तो आपको क्या मिलने वाला है माइनस डब्ल्यू, फिर से लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो का मतलब है कॉनकेव डाउन यानी कि मैक्सिमा। इट क्लियर। बेसिकली इस तरीके से आप हमेशा कर्वेचर देखा करो। बेसिकली हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, सो ईजी। अगर आप बिल्कुल बेसिक पे जाएंगे तो इसी तरीके से बनेगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि हमें अब क्रॉस सेक्शन समझ में आ गया होगा, और सॉरी क्रॉस सेक्शन कह रहा साइन कन्वेंशन समझ में आ गया होगा। आप जैसे बुक्स में देखते हैं, बुक्स में क्या करते हैं लोग पहले साइन कन्वेंशन बताते हैं और फिर बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं समझ जाएंगे। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं जितना बच्चों को प्लस टू में पता है वो कंटिन्यूस रखता हूँ, जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसको वहीं की वहीं समझा के इनकॉर्पोरेट करता हूँ, और फिर उसको इनकॉर्पोरेट करके एग्जाम्पल लेते हुए काम करता हूँ, और उस वर्किंग एग्जाम्पल के साथ काम करते करते बच्चों को समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इस चीज़ का ये मतलब है, रटने की कोई ज़रूरत अब है नहीं। साइन कन्वेंशन किसी भी सेक्शन पे क्लियर रहे कि भाई ये क्या है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये सर सिंपली इंटरनल फोर्सेज हैं, राइट वाला ऊपर लेफ्ट वाला नीचे, ये बनता है पॉजिटिव, एल्स इसका यहाँ से देखोगे वो हो गया नेगेटिव। सेम है बेंडिंग मोमेंट का, हॉगिंग पॉजिटिव सैगिंग नेगेटिव, राइट वाला नीचे लेफ्ट वाला ऊपर, सॉरी मैं पूरा नहीं कंप्लीट किया था मैंने, तो राइट वाला ऊपर एंड लेफ्ट वाला ऊपर राइट वाला नीचे, सॉरी लेफ्ट राइट में थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है उसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेफ्ट वाला नीचे राइट वाला ऊपर, वही कंसेप्ट कर रहे हैं हम लोग पॉजिटिव। ओके भाई, हेंस रेफरेंस हमेशा डिफाइन करो और इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। वैसे एक रेफरेंस सरफेस का फ़ायदा क्या होता है मैं आपको नीचे ज़रूर दिखाऊंगा एक बार, तब आपको क्लियर होगा कि क्या है। हाँ, अब कंफ्यूज मत होना कि समेशन ऑफ जो मोमेंट अबाउट ए है उसमें मैं हमेशा इस सेक्शन को अपने लिए पॉजिटिव लेता हूँ। कोई बच्चा इस डायरेक्शन को भी पॉजिटिव ले सकता है, मैं नहीं लेता हूँ, मैं हमेशा इसको पॉजिटिव लेता हूँ। तो ये और ये कंसेप्ट अलग अलग है, ये एक्सटर्नल फोर्सेस की बात हो रही है, ये हॉगिंग की बात हो रही है। प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज़ योर सेल्फ बिटवीन एक्सटर्नल फोर्सेज एंड हॉगिंग। हॉगिंग इंटरनल फोर्सेज की बात कर रहा हूँ, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ज़ीरो में एक्सटर्नल फोर्सेज की बात कर रहा हूँ। ये मैंने अक्सर देखा है बच्चे कन्फ्यूज हो जाते थे, इसलिए मैंने इसको स्पेशली ग्रीन और ये यहाँ पे सेम सेम लिख के मार्क किया हुआ है। अब हम एक बार और जल्दी से थोड़ा सा हार्ड पोर्शन लेंगे और लीनियरली वेलिंग लोड का भी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के देख लेंगे। इससे थोड़ा हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ये मेरा भी, मुझको भी चलो ये कहने को मिलेगा कि मैंने बच्चों को सिखाने की कोशिश की है। तो एक थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन, यहाँ लीनियर वेरिंग लोड है, एंड तक डब्ल्यू है, वही लेंथ एल है, तो आर ए आर बी, आर ए आर बी हमें नहीं पता है, तो आर ए आर बी क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि यही तो लोड है, यहाँ पे डब्ल्यू था बेस हाफ, ट्रायंगुलर लोड है लीनियरली वेरिंग था इसलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया अंडर द कर्व क्या दे देगा मेरे को लोड दे देगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, तो मैंने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो करके ये पहली इक्वेशन बना ली। ओके सर, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए ज़ीरो कर दिया, वही माइनस का आर बी इंटू एल, यहाँ पे हाफ ऑफ डब्ल्यू इंटू एल हेरा, और ये किस पॉइंट पे होगा टू बाई थ्री एल पे होगा, हमें पता है सी जी कहाँ होता है इसका, टू बाई थ्री एल पे होता है ना,
वर्टेक्स वाले पॉइंट से 2 बाई 3 एल और यहाँ होता है एल बाई 3, 2 बाई 3 एल से मल्टीप्लाई कर दिया, आर भी मिल गया और आर ए मिल गया। चलो बहुत बढ़िया। अब हम शीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए क्या करना होता है? कुछ नहीं सर, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाता है। तो मैंने एक्स पोर्शन काटा, यहाँ पे आर ए आ गया, यहाँ पे ऑब्वियसली बड़ा वाला जब था पोर्शन उसका डब्ल्यू था, तो यहाँ पे मैंने कह दिया इसका डब्ल्यू एक्स है। तो ये डब्ल्यू एक्स क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एक्स हो गया डब्ल्यू बाई एल इंटू एक्स के बराबर। ठीक है, तो डब्ल्यू नीचे सबस्क्रिप्ट में एक्स है, तो डब्ल्यू एक्स बोल रहा हूँ, डब्ल्यू इंटू एक्स नहीं बोल रहा हूँ, डब्ल्यू एक्स बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका जो लोड होगा जो नीचे जा रहा होगा कितना हो गया? हाफ डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स। ओके, और ये हो गया आर ए, यहाँ से एक्स पॉइंट पे है, तो हम वापस से शेयर फोर्स की इक्वेशन लिखने बैठ जा गए। तो क्लियर है, आर ए ऊपर तो आर ए नीचे आना होगा। यहाँ पे ये ब्लू में हमने दिखाया है कि इसका लोड ऐसे है, रिएक्शन ऐसे होगा, लेफ्ट में ऊपर राइट में नीचे पॉजिटिव, लेफ्ट में नीचे राइट में ऊपर नेगेटिव, साइन कन्वेंशन लिख दिया सर, मिल गया लो, है कि नहीं इजी। के बाद आप क्या करोगे? वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू जीरो पे रख के देख लेंगे, फिर एक्स की वैल्यू जहाँ तक एल बाई टू तक जाना है या एल तक जाना है वहाँ रख के देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बीच में कॉन्सेंट्रेटेड लोड नहीं है, तो मैं जीरो से एल खींच सकता हूँ, जहाँ तक कॉन्सेंट्रेटेड लोड हो बस वहीं तक लेके जाना, ये बात ध्यान रखना आप। सिमिलरली अब हम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं, इसके लिए तो बेंडिंग मोमेंट में आर ए इंटू एक्स ऐसे ही देगा, आर ए इंटू एक्स। तो बेंड इसका रिप्लाई जो होगा, ये जो मैंने पिंक कलर में यहाँ दिखाया है, आर ए इंटू एक्स हो जाएगा, और ये हाफ डब्ल्यू एक्स एक्स जो है ऐसे है, इसका रिएक्शन ऊपर जाए की ओर जाएगा, तो डब्ल्यू एक्स वाला एक्स डिवाइडेड बाय टू, तो इसका रिएक्शन कैसे आएगा? नीचे की ओर आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसके रिएक्शन भी बना लिए। आगे क्या है, बस इसकी शेप देखनी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे जो ये एक्स स्क्वायर है, अब इसकी दो शेप हो सकती है, कॉनकेव डाउन या फिर कॉनकेव अप। तो डबल डिफरेंशिएट करके देख लेंगे, सिंगल डिफरेंशिएशन शियर फोर्स का नेगेटिव और डबल भी नेगेटिव, नेगेटिव मतलब मैक्सिमा यानी कि कॉनकेव डाउन। हमें पता चल गया है शियर जो फोर्स की शेप है वो कॉनकेव डाउन रहेगी। और उसी तरीके से अब जब हम बेंडिंग मोमेंट की, अब जैसे कि x इज इक्वल्स टू जीरो कूंगा डब्ल्यू एल बाई सिक्स, एक्स इक्वल्स टू एल रख दूंगा तो माइनस का डब्ल्यू एल बाई सिक्स, मेरे को क्लियरली पता चल गया, मैंने उसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया डब्ल्यू बाई सिक्स, और ये टू डिग्री है, ये आ गया टू डिग्री, यहाँ मैंने लिखा हुआ है पैराबोला, टू डिग्री मतलब टू द पावर टू, थ्री डिग्री मतलब टू द पावर थ्री। तो आपको बेसिकली पता चल गया था कॉनकेव डाउन है, तो मैंने कॉनकेव डाउन बना दिया। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं बेंडिंग मोमेंट का, बेंडिंग मोमेंट की सेम वही आर ए इंटू एक्स वाला माइनस एक्स डब्ल्यू एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई थ्री, सेम कंसेप्ट सेम चीज़, ये एक्सटर्नल उसका रिप्लाई। हमें जब शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं तो किस चीज़ से मतलब है? सर सीधा सीधा रिप्लाई से मतलब है। ये रिप्लाई, रिप्लाई को वही, ये ऊपर जा रहा था तो पॉजिटिव, नीचे आया था नेगेटिव, रख के देख लिया। अब शेप के बारे में भी तो पता करना है, कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन, तो डबल डिफरेंशिएट करके देखेंगे। जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलता है नेगेटिव का डब्ल्यू एक्स बाई टू, यानी कि एक्स की वैल्यू का आप ज़ीरो रखो तो ज़ीरो है, और कोई भी इसकी वैल्यू रखो जैसे एल एल तो हमेशा नेगेटिव बना रहेगा। नेगेटिव का मतलब है मैक्सिमा, मैक्सिमा यानी कि कॉनकेव डाउन। तो शेप कैसी हो गई बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की? कॉनकेव डाउन हो गई। वैल्यूज रख के देख लो, एक्स इज इक्वल्स टू जहाँ पे शेयर फोर जीरो हो गया था वो वाली वैल्यूज़ भी रख के देख ली, मैंने सारी निकाल ली वैल्यूज़, और अब हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया थ्री डिग्री। ठीक है, इसको ड्रॉ कर दिया, और हमें जो वो पॉइंट था आपने देखा होगा, मैंने ऊपर एक बार बताया था आपको कि यार आप लोग हमेशा एक चीज़ नोटिस करना, जहाँ पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमेशा मैक्सिमम होता है। तो आप शेयर फोर्स की वैल्यू ज़ीरो रख दो, ये रख दी हमें शेयर फोर्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल गया गई एल बाई अंडर रूट थ्री, तो एक्स इज इक्वल्स टू एल बाई अंडर रूट थ्री पर शेयर फोर्स जीरो है, और जैसे आप बेंडिंग मोमेंट पर रखोगे उस टाइम पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई जो कि ये है।
बेसिकली ये तो वे था कि जिससे आप बना सकते हो, और एक डिफरेंशियल डेरिवेशन है जिसका मैं बेसिक बात करता हूँ और रिजल्ट की बात करूँगा ऑब्वियसली। तो इसके अंदर अगर आप देखें डेरिवेशन के लिए क्या किया गया, क्योंकि बच्चे अक्सर इससे कंफ्यूज आते हैं, रट तो लेते हैं, और ये जब फार्मूला फेल करता है ना एक कंडीशनों में, वो उनको याद नहीं रहती और अक्सर वो उसी वजह से नेगेटिव मार्किंग कर बैठते हैं। वो चीज़ को क्लियरिफाई करने के लिए ही यहाँ पे इसको जो डेरिवेशन है इसकी किस चीज़ को लेकर डिराइव किया गया था वो बताना चाह रहा हूँ। इन्होंने एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन काटा टी एक्स का, इसके अंदर यू डी एल के अंदर, ठीक है। इन्होंने कहा इधर शेयर फोर्स एफ है, इधर मोमेंट एम है, जस्ट डी एक्स के आगे चलेगा, इन्होंने कहा शेयर फोर्स बदल के एफ प्लस डी एफ हो गया और जो मोमेंट है वो एम प्लस डी एम हो गया। जब इस टाइप की कंडीशन का पूरा एक प्रोसेस है वो कर लिया, तो हमें क्या मिलता है डिफरेंशियल फॉर्म में, मिलता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू शेयर फोर्स। यहाँ पे मैं बेंडिंग मोमेंट लिख देता, इज बेसिकली बी एम प्लस बी बी एम, छोटा सा चेंज बी एम लिख देते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा बच्चों को ऐसे ही याद करा है, ये लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट विद रेस्पेक्ट टू एक्स गिव्स यू शियर फोर्स, ठीक है। यानी कि इसको वर्ड्स में कैसे बोला जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रक्चर या बीम इज इक्वल्स टू शियर फोर्स। ये फाइनल जो है उस डेरिवेशन में रिजल्ट आता है। रिजल्ट किसका है, ये रिजल्ट है सर यहाँ पे जब लोड लगा हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ लोड लगा हुआ है, तब कौन सा है UDL का कंसेप्ट है, या कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी ले सकते हो बट लोड लगा हुआ है वो। बात करते हैं शेयर फोर्स को भी और लोडिंग का भी, इन्होंने एक डिफरेंशियल फार्मूले के थ्रू रिलेशन निकाला है जो कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ शेयर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स गिव्स यू नेगेटिव ऑफ लोडिंग, ठीक है, गिव्स यू नेगेटिव ऑफ लोडिंग। नेगेटिव मतलब सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि शेयर फोर्स अगर ऊपर है कैसे, तो आपकी लोडिंग ऐसे हो जाएगी। ये हमेशा वैलिड होता है और हमेशा यूजेबल होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, जब तक हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में देख चुके हैं और अब उसको मैंने वर्ड्स में लिखा है कि एब्रप्ट चेंज इन शेयर फोर्स एज वी पास थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड लोड एंड नो चेंज इन मोमेंट, जो हमने देखा था कि जहाँ पे आपने देखा था कि जैसे कि सिंपली सपोर्टेड में था, हमने जब इसका शेयर फोर्स बनाया था तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड लोड डब्ल्यू है, ये गए, ये बिल्कुल ऐसे एब्रप्ट चेंज दिख रहा था, और जो हमारा बेंडिंग मोमेंट था उसमें कोई चेंज नहीं था, उस चीज़ को भी ये सपोर्ट करता है यहाँ पे। सिमिलरली आपने एक एब्रप्ट चेंज भी देखा होगा कि जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट चेंज हो रहा होगा एक्सटर्नल लोड की वजह से, वहाँ पर शेयर फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, उस चीज़ को भी हम तो हम ग्राफ में देखेंगे। ये आगे चल के मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इससे रिलेटेड, आपको क्लियर होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे वो भी इस मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू देखा जा सकेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया है कि आपने शेयर फोर्स लगाया, एब्रप्ट चेंज हुआ, ये रहा। अब आप एक काम कीजिए, इस सिंपली सपोर्टेड में जो कॉन्सेंट्रेटेड लोड था उस पॉइंट की जगह सेंटर में आप मोमेंट एम लगा दीजिए और आप इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाओ तो माइनस एम बाय एल मिलेगा, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ तो कुछ ऐसा मिलेगा। कॉन्सेंट्रेटेड लोड के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कोई चेंज नहीं हुआ, एब्रप्ट चेंज सिर्फ शेयर फोर्स में हुआ है। यहाँ पर शेयर फोर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, एब्रप्ट चेंज सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हुआ है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर मैं ऑल दोस्त को क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करना चाह रहा था, बट थियोरेटिकली बता देता हूँ। जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ये मैं क्वेश्चन जब करूँगा तब आपको ज़रूर दिखाऊंगा, उससे आपको क्लियर होगा।
इसलिए मैंने इसको बचा के रखा था। बट जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन पर शेयर में कोई चेंज नहीं है, और जहाँ शेयर चेंज करता है वहाँ बेंडिंग मोमेंट में कोई चेंज नहीं है, वो बल्कि मैक्सिमम होता है। तो बेसिकली यही था कि कैसे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनते हैं। क्या मैंने बच्चों को अक्सर क्वेश्चंस को देखा है कि अक्सर वो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, तो अब यहाँ से मैं एक समरी टाइप आपके लिए बना के लाया हूँ ताकि आप हमेशा इसको अपने साथ रखो, पढ़ लो। एक बार पढ़ना अच्छा होता है, बट जब याद करते हो तो इसी तरीके से कि ये कॉन्सेंट्रेटेड लोड था, ये P/P लोड है, तो P/2 पॉजिटिव नेगेटिव, PL/4 किस कौन सा पॉजिटिव का। शेयर फोर्स जहाँ जीरो है वहाँ बेंडिंग मोमेंट क्या है, मैक्सिमम है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट होगा वो शेयर फोर्स यहाँ पे क्या है, वैलिड है। ठीक है, अब अक्सर बच्चों से ये पूछ लिया जाता है कई बार कि जो ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल्स टू शेयर फोर्स, ये किस पॉइंट पे वैलिड नहीं है। ये वैलिड कहाँ नहीं है, रिएक्शन पॉइंट्स पे वैलिड नहीं है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू जीरो होता है। आपको याद होगा आप कुछ भी फंक्शन ऑफ एक्स है, अगर यहाँ पे dx करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो और इस एक्स को जीरो रख देते हो, तो आप कभी इसको डिफरेंशिएट कर पाते हो क्या, नहीं कर पाते हो। तो इसी वजह से आपको वो इस तरीके से ना देखें, मैथ की टर्म में ना देखें, वो आपको दे देगा कि भाई ऐसे कौन से पोर्शन हैं जहाँ पे कि आपका ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। तो आप कहना एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे वैलिड नहीं है, यानी कि सपोर्ट रिएक्शन पॉइंट्स पे वो वैलिड नहीं है। ठीक है, हमने फिर से UDL वाला बनाया, WL/2 - L/2, WL²/8 पॉजिटिव, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम जहाँ पे शेयर फोर्स साइन चेंज करता है। सेम कंसेप्ट, सेम बात है, डिफरेंशिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय dx गिव्स यू शेयर फोर्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ शेयर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू लेंथ gives us negative of loading। तो ये कंसेप्ट हमको यहाँ पे क्लियरली देखने को भी मिल जाता है। अब आप पूछेंगे कैसे, सर एक बार दिखो, ये WL²/8 की जगह आप इसको एक तरीके से ऐसे देखो कि ये शायद WX²/8 है, ऐसे एक बार, मतलब एक एक्स स्क्वायर में चीज़ है। आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x, यानी कि एक लीनियर लाइन मिल जाएगी, और x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, वो ये कांस्टेंट मिलेगा जो भी उसके आगे पीछे होगा 1, तो वो कैसा आ गया, कांस्टेंट आ गया। वो तीनों चीज़ें यहाँ डिफरेंशियल फॉर्म में विजिबल है। सिमिलरली ये लीनियरली वेरिंग लोड का है, इसमें कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि भाई शेयर फोर्स कहाँ जीरो हुआ, तो याद रखना है L/√3 पे हुआ है, और सेम चीज़ें वही डिफरेंशियल वाली वैलिड है। तो एक स्पेशल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसका मैं चाहूँगा कि आप खुद बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स बनाएं। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिर्फ ओवर हैंग है इसमें कि ए और ए का ओवर हैंग है और बीच में एल बना हुआ है, और ये पूरा की पूरा कैपिटल एल है। इसका शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बनाओ, बहुत आसान है यार, बहुत ही ईजी है। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे ना ओरली भी, तो जैसे हमने किया था तो भी आप बना दोगे। जैसे कि ये शेयर फोर्स डायग्राम बनाया था, मैंने कहा चलो एक काम करता हूँ यार, ब्लू से बनाया तो ब्लू कलर ले लेता हूँ, इतने से का पोर्शन का ले लो, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, कुछ भी नहीं है इधर से, तो W into A तक, यानी कि 0 से लेकर WA तक बढ़ता रहेगा, और ये वाला नीचे तो क्रॉस सेक्शन के उधर वाला ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं। तो क्या ऐसा हो गया, नेगेटिव, ये लो माइनस का WA। ठीक है, सिमिलरली राइट से क्रॉस सेक्शन काटते होगे तो -WA नीचे, उसका वाला ऊपर, लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे, पॉजिटिव WA। और ये रिएक्शन आप सॉल्व कर दोगे तो WL/2 का आधा स्मॉल WL/2 वाला मिल जाएगा, और ये आपको इस तरीके से शेयर फोर्स बन जाएगा। बहुत इजी है, बना के देखना, जैसे ऊपर बनाया है बिल्कुल सेम टू सेम बन जाएगा, और बेंडिंग मोमेंट बनाने जाओगे वो भी सेम टू सेम बन जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, ये ग्रीन ग्रीन वही पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ये रही, और बेंडिंग मोमेंट की ये रही, बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कह रहे हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ। अच्छा, ये वाला जो बनता है बेसिकली, मैं इतना ज़्यादा आपको करके दे रहा हूँ, यहाँ पे क्लियरली बता रहा हूँ कि क्या होने वाला है, आप तो बस
इस चीज़ को अपनी नोटबुक्स में लिख के बस याद कर लीजिएगा, आपकी 90% जो टाइम है सेव ऐसे ही हो जाया करेगा। जैसे कि एल की वैल्यू जब 2A से बड़ी है, यानी कि एल जो था हमारा अंदर वाला मैंने दिखाया था स्मॉल एल, ये 2A से बड़ा है, आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, राइट। और अगर मैं एल और 2A को बराबर कर दूँ तो क्या होगा? सर क्वेश्चन आना चाहिए ना आपके दिमाग में, मैंने उसका भी बनाया। जब से ही आप L और 2A को बराबर करते हैं, जो सेंटर में बेंडिंग मोमेंट था ये क्या हो गया? जीरो। और L को छोटा कर देते हैं 2A से तो वो पूरा नेगेटिव हो जाता है। आपको अक्सर एक चीज़ मिलती है, वो है मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन वैसे देखा जाए तो बेटर होता है कि हम इसको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में अच्छे से समझा पाते हैं, बट अभी के लिए आप ये देख सकते हैं कि इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो सैगिंग मोमेंट है और जो मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट है पूरे एक सेक्शन में, उन दोनों को हमें बराबर कर देना है, उन दोनों को हमें बराबर कर देना है। तो वहाँ पे जो मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट था इन जनरल L इज इक्वल्स टू ये वाले सेक्शन का, L ग्रेटर देन 2A वाले का, वो ये आ गया। यानी कि WA स्क्वायर बाय 2 को W बाय 8 L स्क्वायर बाय 4A स्क्वायर के बराबर कर दिया गया है और सॉल्व कर लिया गया है। जैसे ही उसको सॉल्व किया गया, करते हैं डब्ल्यू एल स्क्वायर माइनस 4A इसके बराबर क्या, A की वैल्यू है स्मॉल L डिवाइडेड बाई 2√2 और कैपिटल L की फॉर्म में 0.27L। बच्चे इसको बेसिकली याद करते हैं ऐसे, जैसे परसेंटेज में इजी होता है कि जो स्मॉल A है मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए, स्मॉल A है मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए 20.7% ऑफ टोटल लेंथ, 20.7% ऑफ टोटल लेंथ। अगर आप कई बार ये स्मॉल एल की फॉर्म में हो तो 2√2 दिया हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो न्यूमेरिकल के फॉर्म में 0.35। यही कहूँ स्मॉल ए इज इक्वल्स टू 35% ऑफ सपोर्ट लेंथ, इनर लेंथ छोटा एल। मैं तो स्मॉल एल और कैपिटल एल की फॉर्म में याद रखता हूँ, ईजी रहता है। स्मॉल एल मतलब हाँ वो सपोर्ट्स के बीच में, कैपिटल एल मतलब ओवरऑल लेंथ। तो ये पोर्शन था, यहाँ पे मैंने बना भी दिया इसको, 0.207 कैपिटल एल, 0.207 कैपिटल एल, 0.586 बचा, वो ये आ गया। तो ये बेसिक पार्ट था। अब एक क्वेश्चन है बच्चों को, जहाँ पे ESE के ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा ये ऑब्जेक्टिव, तो मैंने सोचा इसका खुद ही मैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको बना के दिखाऊँ कि कहाँ पे हमने ये वाली जो इक्वेशंस पढ़ी थी डिफरेंशियल फॉर्म में, शेयर फोर्स का जो डिफरेंशिएशन है नेगेटिव ऑफ लोडिंग और मोमेंट का जो डिफरेंशिएशन है शेयर फोर्स, ये फेल हो जाती है, वो फेल होती हैं इस वाले सेक्शन में। यानी कि यहाँ पे हमने एक लीनियरली वेरिंग मोमेंट डाल दिया है। ये क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये है लीनियरली वेरिंग मोमेंट, ठीक है, विद एम नॉट की वैल्यू के साथ। यानी कि जब आप एल पे लिखोगे तो इसकी वैल्यू है एम नॉट, और किसी भी सेक्शन पे डालोगे तो एम नॉट बाय एल, और जिस एक्स तक गए वो मल्टीप्लाई बाय एक्स कर देना। इसका शेयर फोर्स और डायग्राम हम बनाएंगे तो इसका शेयर फोर्स तो ऐसा बनता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जीरो बनता है। यानी कि आप किसी चीज़ की डिफरेंशिएशन करो, जीरो की डिफरेंशिएशन करो तो वो जीरो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका जीरो ही मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसके मोमेंट की डिफरेंशिएशन किसी भी जीरो की करोगे तो क्या आना चाहिए? जीरो। बट नहीं, वो यहाँ क्या मिल रहा है हमको, कुछ कांस्टेंट मिल रहा है। इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल फॉर्म है ये फेल हो गई है कांस्टेंटली लीनियरली वेरिंग मोमेंट वाले सेक्शन के लिए। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए मैंने चीख चीख के बोला था भाई मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, मैं भी सिर्फ एक क्वेश्चन लिख के छोड़ सकता था। इसलिए क्योंकि हम जब डेरिवेशन करते हैं तो वहाँ हमने UDL लिया है, वहाँ एक मोमेंट वो लिया है, मोमेंट कह रहा हूँ सॉरी, एक लोड लिया है। अगर आपके पास कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड लोड UDL होगा तो ही ये जो आपका डिफरेंशियल फॉर्म है ये वैलिड रहेगा। सिर्फ और सिर्फ ओनली मोमेंट दे दिया ना तो ये फेल कर जाएगा। अब आते हैं कर्व्ड सरफेस के ऊपर, इनका बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनाया जाए ये देखते हैं। अनपॉजिंग, ओके। तो यहाँ पे जो सरफेस दिया हुआ है, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था रेफरेंसेस का, वो बड़ा ही यहाँ पे डोमिनेंटली हमें काम आने वाला है। देखते कैसे। यहाँ पे क्या है कि सरफेस जो है कर्व्ड हो गया है। कर्व्ड सरफेस होने की वजह से हमें पता ही नहीं है कि भाई
जो इक्वेशंस लगानी है मुझे, कहाँ लगानी है, किस तरीके से लगानी है, तो मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको, जो मेरी ट्रिक है, मेरे को लगता है सबसे बेस्ट है। जब भी मैंने किसी भी क्वेश्चन में लगाई है, मेरे को बहुत इजीली कर्व सरफेस में पता लग जाता है कि क्या करना है। जैसे कि अपन ने बेसिकली बीम में क्या करते थे, अपर पार्ट को रेफरेंस मानते थे, यही करते आए हैं। आपके ये बनाया, जैसे मैं तो आपसे कहता हूँ, आपको जैसे यहाँ लोड लग रहा है पी, आपने लेना तो एक्स सेक्शन यहीं से ही है, आप इसको काट लो, इस एक्स सेक्शन को काट लो। अगर आप इसके एक्स सेक्शन को काटोगे, ऐसे देखोगे, देख रहे हो, तो आपको ये बीम जैसा दिखने लग जाएगा, बीम जैसा दिखने लग जाएगा। तो ये वाला पोर्शन तो हम रेफरेंस ही लेते हैं हमेशा। तो मैं इस सेक्शन में कह दूंगा कि लेट द इनर पोर्शन बी माई रेफरेंस, यहाँ पे मैंने लिख दिया। मेरा तो यही तरीका है, क्योंकि मेरे को हमेशा अपना दिमाग इस तरीके से सेट कर लिया है, जब भी मैंने शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया, कि भाई हमेशा एक बीम का अपर पार्ट जैसा कुछ दिखे। कई लोग बाहर वाला भी रेफरेंस ले सकते हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि आप फिर यहाँ से शुरू करना, आपका एक्स वाला जो पोर्शन है वो यहाँ से लेके चलना, ताकि आपको वो बीम जैसा दिखे। नहीं तो आप कन्फ्यूज़ जाओगे, आपने रेफरेंस ले लिया यहाँ से और स्टार्ट कर दिया यहाँ से, तो आपको फिर अपना दिमाग पूरा उल्टा करना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन को उल्टा करोगे तब जाके वो सीधा बनेगा। तो मैं उन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तो भाई सेक्शन एक्स काट के देख लिया कि कहाँ से काटूंगा। मैंने कहा कि भाई ये जो यहाँ से लटक रहा है पी लोड है, यहाँ से काट के देखूंगा सेक्शन एक्स। तो मैंने देख लिया काट के, हाँ भाई सेक्शन एक्स काटा, ये सेक्शन एक्स जो है वो जब भी मैं काटूंगा छोटे से को, तो ये मेरे को बीम जैसा दिखे, तो ये वाला पोर्शन जो है रेफरेंस दिखे, तो मैंने रेफरेंस ले लिया। इनर पोर्शन जो है मैंने यहाँ पे तो रेफरेंस ले लिया है। ओके सर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे कुछ भी नहीं है। शेयर फोर्स, अब हाँ यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग जो हमने बात कही थी, बहुत इजी सी बात थी, बच्चे अक्सर उस बात को लेके ना भूल जाते हैं। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपको एक एक वर्ड का बेसिक याद दिलाने के लिए। तो जैसे कि हमने कहा था, शेयर फोर्स जो होता है वो हमेशा क्रॉस सेक्शन के पैरेलल एग्जिस्ट करता है, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे आप क्रॉस सेक्शन काटोगे ना, वो टेढ़ा कटेगा भाई, टेढ़ा कटेगा तो शियर फोर्स ऐसा आएगा, ना कि कोई इस केस में ऐसा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, हमेशा जो ये होता है गेट के ESE क्वेश्चन, ये आपको कहीं स्ट्राइक नहीं करते, एक बहुत एक छोटे से पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करते हैं, जिसने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि शियर फोर्स जो होता है दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन सरफेस। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए मैंने ये क्रॉस सेक्शन था सर्कुलर, सॉरी कर्व्ड, सर्कुलर कह रहा हूँ, सर्कुलर ही है बेसिकली, 2R रेडियस दिया हुआ था इसका। तो ये R पे हम गए, एक्स एक्स सेक्शन उठाया, थीटा पे काट लिया, इसको काट के देखने बैठ गया। रेफरेंस सरफेस तो मेरे को पता ही चल चुका है, रेफरेंस सरफेस तो मेरा अपर पार्ट है। साथ साथ में मैंने क्या बोला, ऐसा फोर्स जो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगेगा तो क्या कहेंगे, शियर फोर्स। ऐसा मोमेंट जो कि क्रॉस सेक्शन को बेंड करेगा वो क्या बन जाएगा, बेंडिंग मोमेंट। यही कहा था, देखो आज हमने शियर फोर्स देख लिया, वो ऐसे लगेगा। अब ये क्रॉस सेक्शन काटा है, ये शियर फोर्स है, कुछ भी लगेगा, पी है, तो ये पी तो एक्सटर्नल लोड है भाई, पी के दो पोर्शन कर लेते हैं, थीटा के अकॉर्डिंग, पी कॉस थीटा और एक पी साइन थीटा। हो गया, पी कॉस थीटा ऐसे है, इसी का ही तो उल्टा पोर्शन शियर फोर्स एट एक्स है। अगर आप इसको देखोगे पी साइन थीटा को, पी साइन थीटा बेसिकली इस पॉइंट पे ऐसे लग रहा होगा, उसका कोई लेना देना नहीं हमें, पी पी कॉस थीटा से लेना देना हो जाए। पी कॉस थीटा क्या हो गया हमारा, किसी भी एक्स पे जाके शियर फोर्स हो गया। अब थीटा की वैल्यू रख दो 0, 0 और 0 इज पी, तो आपका शियर फोर्स आप इस पॉइंट पे देखोगे तो क्या होना चाहिए, बिल्कुल पी होना चाहिए। अगर आप 90 डिग्री पे चले जाओ, ये लो भाई ये रहा आपका पी, तो ये रहा, और शेयर फोर्स कैसा होगा 90 डिग्री पे, ऐसा होगा। ये ऐसा कोई लोड है क्या यहाँ पे, यहाँ तो पी है, तो 90 डिग्री पे फोर्स क्या हो जाना चाहिए, 0। तो कॉस 90 क्या होता है, 0, बिल्कुल सही। देख रहे हो कितना ईजीली हमें क्लियरली मिल रहा है। साइन कन्वेंशन कैसे लेने थे, जो हमेशा हम डिफाइन करते आए हैं बीम के लिए, मैं बिल्कुल सेम टू सेम साइन कन्वेंशन लेके रख रहा हूँ, लेफ्ट वाला ऊपर राइट वाला नीचे, तो ये क्या बन गया भाई साहब, पॉजिटिव। इसी चीज को लिया, इसलिए ये लेफ्ट वाला ऊपर राइट वाला नीचे, क्या बन गया, पॉजिटिव। क्लियर, इसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट भी बनाते हैं। चलो अच्छा, यहाँ पी था, इसका एक मोमेंट जाएगा,
ये देखो आर जो है ये रेडियस आर है ना सेंटर से, तो ये एक तो गया इसका आर कॉस थीटा और एक आर साइन थीटा, ठीक है सर। पी इंटू आर साइन थीटा ऐसे एक्सटर्नल, इसका रिप्लाई ग्रीन में जो बना हुआ है पी आर साइन थीटा ऐसे, तो रिप्लाई से ही तो मुझे मतलब है, तो मेरा बेंडिंग मोमेंट क्या हुआ पी आर साइन थीटा, ये डायरेक्शन जो है नीचे की ओर है, तो मेरी बीम वाले में मैं इसको क्या मानता हूँ हॉगिंग, ठीक है नेगेटिव, नहीं बेंडिंग मोमेंट है एक्स पे क्या हो गया माइनस पी आर साइन थीटा, क्लियर है इतना। मतलब इजीली अगर हम कंसेप्ट पकड़ के रखें तो हर काम इजीली हो जाता है, बिल्कुल आप बेसिक कंसेप्ट पकड़ के रखो। ये मैंने पूरा लेक्चर ही इस बेसिस पे बनाया कि अपने बेसिक्स जो हैं वो बने रहे। तो शेयर फोर्स बनाते हैं, ये मेन बीम है, उसका जो रेफरेंस सरफेस था हमने वो बनाया यानी कि इनर सरफेस बनाया, इसके रिस्पेक्ट में अब हम शेयर फोर्स बनाएंगे। तो कॉस जीरो इज़ पी, पॉजिटिव ले लिया भाई ये रहा। अब यहाँ पे क्या है लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट है, ऊपर नीचे आप देखना चाहो कैसे, तो मैंने नीचे पॉजिटिव लेके पी हो गया, 90 डिग्री पे जीरो जाना है, कॉस 90 जीरो एंड कॉस 180 डिग्रीज माइनस पी, तो वो हो गया माइनस पी, तो मेरा ये बन गया शियर फोर्स डाइग्राम। बेंडिंग मोमेंट डाइग्राम जो है वो माइनस पी आर साइन थीटा है, तो साइन जीरो इज़ जीरो और साइन 180 डिग्रीज ऑल्सो जीरो, बिल्कुल सही आ रहा है, और साइन 90 इज़ वन तो माइनस पी आर हो जाएगा माइनस पी आर, तो वहाँ से यहाँ तक बिल्कुल साइन थीटा का वेरिएशन, यहाँ से यहाँ तक कॉस थीटा का वेरिएशन, तो ये क्या है सेक्शन माइनस पी आर। इस तरीके से आप शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। अब आप जब सॉल्व करोगे ना, आपको कई बार क्वेश्चन घुमाने के लिए ऐसे मिलेंगे, ये मैंने फिर भी दे दिया, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये भी, बट हम वो ले लेते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। तो देखो ये दिया हुआ था, इसके ऊपर अटैच्ड एक बीम लगा दी, यहाँ 20 किलो न्यूटन लगा दिया, तो आपने क्या कहा था सर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ काम चलाओ। मैंने क्या किया कि जो पूरा सेक्शन है ना ए से लेकर डी, सिर्फ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की सोची, तो इसका मतलब इसको मैंने अलग कर दिया, जैसे ही मैंने अलग किया बीस इधर है तो इसका उल्टा बीस आ जाएगा, जो ये ब्लू में दिख रहा है ना उल्टा बीस ऊपर आ गया, 20 × 2 ऐसे, तो इसका रिएक्शन है ऐसे, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर ये लग रहा होगा इंटरनली, इंटरनली ये इंटरनल फोर्सेस क्या हुआ है ये दोनों हुए, तो ये दोनों जब इंटरनल फोर्स हैं जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये जीरो हो जानी चाहिए, यानी कि इन दोनों का अपोजिट ही इस पॉइंट पे लग रहा होगा, तो 20 ऊपर तो इसका इंटरनल 20 ये लो, और 20 × 2 ऐसे डायरेक्शन में, तो इसका डायरेक्शन उल्टा रिवर्स करके 20 × 2 कर दिया ये लो, तो वी हैव द आंसर इन फ्रंट ऑफ अस नाउ। ये तो बहुत ईजीली सॉल्वेबल है, ये तो रेगुलर क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन हो गया, सिंपल लोड है 20 का और एक मोमेंट है एम का, तो कुछ चीज़ें हम देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर उससे भी क्लियर होंगी, बट आई ट्राइड माय बेस्ट कि थ्योरी पोर्शन से बेसिक पे ले जाके मैं आपको सब कुछ सिखा सकूं। वेल दिस इज़ फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में, और कुछ भी आपको कमी लगती है प्लीज़ कमेंट करें, क्वेश्चन सुनाएं क्वेश्चन करें और मुझे बताएं, नहीं हो रहे होंगे तो हम डिस्कस करके उसे कर सकते हैं। अभी हम इसका लेक्चर दे थ्योरी पार्ट करा है थर्ड लेक्चर का, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, 25 ईयर्स ऑफ ESE गेट और SSC JE के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। मेरा फोकस मेनली ESE और गेट के पर रहेगा क्योंकि शेयर फोर्स और उसमें SSC JE में सिंपली सिंपली आते हैं, वो सिंपली सिंपली मैं कवर कर दूंगा। तो मेरा कोशिश यही है कि जब न्यूमेरिकल होंगे तो ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल कोशिश करूँ, तो ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल को एक बार आप लेक्चर देखने के बाद अटेम्प्ट ज़रूर करें खुद से, आपको दिख जाएगा कि कोई ना कोई टाइप ऑफ न्यूमेरिकल रिपीटेटिव फॉर्म में आ रहा है बार बार, सो दैट विल इवेंचुअली हेल्प यू इन ग्रोइंग इन दिस सब्जेक्ट। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।